हे एवरीवन, वेल्कम टू परफेक्ट सेल्फ काउंसलिंग सर्विसेज बाय आकांक्षा आर। आज का टॉपिक है ADHD इन चिल्ड्रन। आज मैं बात करने वाली हूँ बच्चों में होने वाले बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर जिसे ADHD कहते हैं। ADHD जिसका पूरा नाम अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है। मेनली ADHD डायग्नोज तब होता है जब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है। स्कूल जाने पर पेरेंट्स को तब पता चलता है जबकि टीचर से कंप्लेंट आती है कि आपका बच्चा क्लास में सीट पर बैठता नहीं है, वो पूरे दिन क्लास में घूमता रहता है, हमेशा दूसरे बच्चों को तंग करता है और पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाता, उसका ध्यान बहुत भटकता रहता है। ऐसे में बच्चों की जब बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आने लगती है तो पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं और थक हार कर फाइनली उन्हें साइकियाट्रिस्ट और स्पेशल एजुकेटर के पास ले जाना पड़ता है। तब प्रॉपर डायग्नोज होने के बाद ही पता चलता है कि बच्चे में हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है। मेनली तीन क्राइटेरिया हैं इन अटेंशन इम्पल्सिविटी हाइपर एक्टिविटी। इन अटेंशन में बच्चे बहुत देर तक किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर पाते हैं, उनका मन भटकता रहता है, बाहर की आवाज़ों पर एकदम ध्यान भटक जाता है और उनमें ध्यान की कमी होती है। इम्पल्सिविटी में बच्चे किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा उतावलापन दिखाते हैं, वे अपनी टर्न का वेट नहीं कर पाते हैं, अगर क्यू में खड़ा होना हो तो वे बाहर हो जाते हैं, खेल के मैदान में हो और कुछ खेल खेल रहे हों तो वो अपनी बारी अपनी टर्न का इंतज़ार नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा क्लास और बाहर भी किसी भी बात का जवाब देना हो, टीचर कोई बात पूछ रहा हो तो उनकी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ते हैं। सामान्यतः ये सब इम्पल्सिविटी के ही कारण होते हैं। बच्चों के सोशल स्किल्स पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। इम्पल्सिविटी ज़्यादा होने से वे दूसरे बच्चों को भी तंग करते हैं जिससे उनके दोस्त भी नहीं बन पाते हैं। और इसके अलावा क्लास में ऐसे बच्चों की शैतानी के कारण उन्हें लेबल कर दिया जाता है जिससे कई बार उनकी गलती ना होने पर भी उनका नाम लिया जाता है। हाइपर एक्टिव में बच्चे एक जगह पर टिक कर बैठ नहीं पाते। इसमें बच्चे इधर उधर क्लास में भी घूमते रहते हैं, वे अपनी सीट पर टिक कर नहीं बैठते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में उठकर दूसरे बच्चों के पास बैठने चले जाते हैं। घर में भी वह एक जगह पर बैठकर खेलने वाले खेल खेलना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें ऐसे खेल पसंद आते हैं जिसमें भागना दौड़ना होता है। इसके अलावा चीज़ों की तोड़फोड़ करते रहते हैं, उनके हाथ में कोई भी चीज़ लगती है तो वो उसे ज़्यादातर तोड़ देते हैं, या कुर्सी पर बैठे हैं तो उसमें भी हिलते डुलते रहेंगे। तो मेनली ADHD के बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। ये थे बच्चों में ADHD के कुछ मेन सिम्टम्स। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ADHD के लिए मेडिकेशन के साथ स्पेशल एजुकेशन और ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी दी जाती है। इसके अलावा बिहेवियर थेरेपी बच्चों को दी जाती है और साथ ही साथ पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की जाती है। उनको बताया जाता है कि वे किस तरीके से अपने बच्चों के बिहेवियर को मैनेज कर सकते हैं। तो ये थी ADHD से जुड़ी कुछ मेन जानकारी। इसी तरह की अन्य मेंटल हेल्थ से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।